आज नगर निगम की सदन की बैठक में आज MIC सदस्य दुर्गा उपाध्याय का दर्द छलक गया और वे सदन के कक्ष में ही धरने पर बैठ गईं और अपनी मांग को पूरा करवाने की मांग की। तभी उनके समर्थन में 3 पार्षद और धरने पर बैठ गए, जिसके चलते विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल उनका कहना था कि उनके वार्ड में खूने नाले के नाम से एक प्रसिद्ध नाला है, जिसमें हर वर्ष बारिश के समय बच्चे बह जाते हैं, जिसे देखते हुए उन्होंने कमिश्नर से उस नाले को बनवाने की बात कही थी। लेकिन बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक नाले का निर्माण कार्य तक शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते आज दुर्गा उपाध्याय सदन के कक्ष में अब जमीन पर धरने पर बैठ गयी। बराबर में MIC ने इस बात को उठा रही हूँ, जब वेद प्रकाश सर थे तब से उठाया, उनको पूरे वार्ड का नाले का निरीक्षण कराया कि ये कंडीशन है, महापौर जी भी हुए, सब जितने भी वहाँ के ये विभाग के लोग, सारे लोगों ने निरीक्षण किया। हाँ, हो जाएगा, मना नहीं किया, हो जाएगा, फाइल तैयार है, फाइल ये हो गई है, उसको एड्रेस करके बाद भेजा गया, लेकिन फिर कैंसिल हो गया। कई बार मैंने पर्सन जाके बोला, विधायक जी ने भी बोला उस चीज़ में, लेकिन किसी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। अभी भी फाइल 22/18, 22/19 कमिश्नर की टेबल पर रखे रखे सड़ गई, यानी कहीं धूल जम गई मोटी, लेकिन उस पर काम चालू नहीं हुआ। एक एक बच्चा, एक एक बड़े, एक एक महिला, एक एक पुरुष, सारे लोग, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता और पूरी जनता सुभाषवाड़ी की इस वार्ड यहाँ आ जाएगी, सदन में घिराव करेगी। नाले तो हम निर्माण करा ही लेंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि अब हमारे वार्ड में एक भी मौत नहीं होगी। मैं इसकी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की महापौर की व्यवस्था नहीं, महापौर ने एड्रेस किया है, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अब इसको आप समझिए कि कार्यवाही किसने नहीं की, क्यों नहीं हुई? ठीक, इतना पैसा जा रहा है, करोड़ों अरबों खरबों में कहाँ जा? एक MIC सदस्य की सुनवाई नहीं हो रही है, इस बात की शिकायत आपने पार्टी फोरम में भी करेंगे? पार्टी फोरम में भी किया, हाँ, कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी जनता में ये बहुत जरूरी है।